ना रहबर ना रह गुजर से निकलेगा, हमारे पैर का काटा हम ही से निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी ने प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया, कह दिया कार्यकर्ताओं से और पूरे देश में बसपा के समर्थकों से, वह 2024 के लोकसभा चुनाव में किसके साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ अथवा इंडिया गठबंधन के साथ। उधर 6:04 पर चंद्रयान 3 यानी विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाली है। पूरा का पूरा साइंटिस्ट विभाग इसरो का और पूरे देश की ताकतें बस उसी को देख रही है। ऐसे पड़ोसी मुल्क पूरी दुनिया नज़र टिकाए हुए है कि चंद्रयान किस तरह से उतरेगा और क्या क्या फोटो भेजेगा, कौन कौन सा मैसेज भेजेगा। पूरी दुनिया की निगाहें आज उन्हीं पर बनी हुई है। आश्चर्यजनक बातें तो यह है कि जो विक्रम लैंडर है उसके पहियों में अशोक चक्र के निशान दिए गए हैं ताकि वो चले, तो चंद्रमा के ऊपर भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र वो हर जगह छपता हुआ जाए। और उधर राजस्थान के जयपुर में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने मिशन 2030 यानी राजस्थान मिशन 2030 का शुभारंभ कर दिया है। राजस्थान के 33 जिलों में जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं, जो आधे अधूरे हैं, सबको पूरा करने का वादा कर रहे हैं, जगह जगह वो बता रहे हैं कि केंद्र की सरकार हमें काम नहीं करने देती है, अरंगा लगाती है, पैसे नहीं देती है, लेकिन हमारी जिद है कि हम वो काम पूरा कर लेंगे। जब एक कॉलेज में वो जाते हैं अशोक गहलोत, तो वहाँ की एक छात्रा ये कहती है कि हम ग्रेजुएशन में हैं और हमारे कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, क्या आप पीजी का व्यवस्था कर दें, क्योंकि हम एमए में पढ़ना चाहते हैं। और उसी वक्त उन्होंने अनाउंस कर दिया अशोक गहलोत जी ने कि हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, एमए की पढ़ाई इसी कॉलेज में होगी, पीजी का कार्यक्रम हम शुरू करवा देते हैं। और इस तरह से कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह एक खैराती राजनीति की शुरुआत किया है। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल फ्री बिजली की व्यवस्था की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग की बात करते हैं, हर जगह फ्री फ्री करके, और आम जनता उस फ्री के वजह से वोट देती है। कांग्रेस ने इसका प्रयोग कर्नाटका में किया और भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां जहां कांग्रेस के शासन है, हर जगह वही प्रयोग दोहराकर और सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं पुनः। और कांग्रेस को ये सटीक बैठ रहा है। हमारे देश में खैराती राजनीति का बोलबाला है। जनता सबसे पहले घोषणा पत्र मांगती है कि आप चुनाव जीतने के बाद हमें क्या दोगे और व्यक्तिगत हमें क्या लाभ होगा। आप रोड बना दोगे, आप पुल बना दोगे, ये तो सार्वजनिक है, व्यक्तिगत रूप से, जैसे कि पूरे देश की 80 करोड़ जनता को व्यक्तिगत रूप से 5 किलो गेहूं चावल मिलता है, जो कि भाजपा के शासन ने किया कोरोना काल में। और उसके बाद लोगों को ये लगता है कि जब तक आप व्यक्तिगत फायदा की बात नहीं करेंगे आम जनता की, ये वोट देने वाले नहीं है। बहन मायावती जी ने 12 एवेन्यू लखनऊ में आज अपने कार्यकर्ताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सीधे तौर पर कहा कि जब जब हम गठबंधन करते हैं बसपा का किसी अन्य राजनीतिक दल से, तो बसपा का जो कैडर वोट है उन पार्टियों को तो चला जाता है, लेकिन उन पार्टियों का जो वोट है, जो कैडर वोट है, वह बसपा को नहीं मिलता है, यह हमारा अनुभव है। और हम जो जनाधार खो रहे हैं, हमारे जो परसेंटेज कम हो रहे हैं, इसका वजह है गठबंधन की राजनीति। हम अकेले अगर चुनाव लड़ें, इंडिया गठबंधन के साथ भी नहीं जाएंगे और एनडीए के साथ भी हम नहीं जाएंगे, अकेले पूरे देश में बसपा चुनाव लड़ेगी और बसपा के कार्यकर्ता मेहनत में लग जाए, खास करके जो 2024 में टिकट का बंटवारा होगा बसपा के तरफ से, तो उम्मीदवारों का चयन सही तरह से हो और कार्यकर्ता मेहनत करें। हमने आपसे शुरू में ही कहा, न रहबर से निकलेगा न रह गुजर से निकलेगा, हमारे पैर का काटा हम ही से निकलेगा। बहन मायावती जी का संदेश यह था
कि बसपा के कार्यकर्ता मेहनत में लग जाएं, भाजपा की जो रिपोर्ट आ रही है भाजपा सरकार की, इनके वोट प्रतिशत गिर रहे हैं, लोग इनसे परेशान हैं। लेकिन हमें समझ में यह नहीं आ रहा है कि भाजपा से परेशान लोग कांग्रेस में भी तो जा सकते हैं, समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, वह बसपा में ही क्यों आए? क्योंकि अक्सर बसपा ये कहती है हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अगर चुनावी तामझाम बसपा नहीं करती है, बड़े स्तर पर आंदोलन का रूप नहीं देती है, कार्यकर्ता जो है धनाढ्य चुनाव जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को नहीं पकड़ती है जो कि चुनाव में खर्च कर सके, ये प्रैक्टिकल है। और सरकार ने भी लोकसभा और विधानसभा में चुनावी खर्चे को बढ़ा दिया है, वहां पर अगर साधुवाद हम दिखाते रहेंगे तो चुनाव कैसे जीतेंगे? कार्यकर्ता तो मेहनत करते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके पीछे नेताओं की ताकत होनी चाहिए। बहन मायावती जी अगर अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं, वोट प्रतिशत बढ़ाना चाहती हैं, तो उम्मीदवार भी ताकतवर होना चाहिए और इनका जन आंदोलन भी काफ़ी बड़ा होना चाहिए, जनता को दिखे, तभी जाकर सीट निकलेगी। केवल नामांकन करवा देने से प्रत्येक सीट पर जो आपके कैडर वोट हैं, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल परंपरागत वही वोट मिलेंगे, नया वोट निकल कर नहीं आएगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।